तो दोस्तों ये देख सकते हैं फाइनली हमारा रैबिट हाउस का काम दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। ये देखे दोस्तों ईंटें आ चुकी हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे उधर ना सामने एक जाल है दोस्तों। हम जब भी अपने कबूतर पहले उड़ाते थे ना, जो हमारे उड़ने वाले कबूतर थे, तो वो उधर जाग पलते आते थे दोस्तों। ये बहुत ही ऊंचा जाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग रैबिट हाउस बनाने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। तो ये देखे दोस्तों हमने ये वाली जगह जो है ना रैबिट हाउस उसके लिए दोस्तों सेलेक्ट की है। अभी तो इधर बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। ये देखे रोड़े वगैरह हम साइड पे करेंगे, साफ साफ ईंटे साइड पे करेंगे और अपने रैबिट हाउस का काम दोस्तों स्टार्ट करेंगे। अहमद आदराब और तप्तैम भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो हमें आइडिया दिया एक रैबिट हाउस का। तो हम जो है रैबिट हाउस वैसे हमने पहले भी बनाना था, लेकिन हमें जो है वो अच्छा खासा उन्होंने आइडिया दे दिया, जिससे कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यार सुल्तान और चिली मिली को हमने खोल दिया और अब बारी है जी हमारी छोटू गैंग की, और जल्दी से इनको भी खोल देते हैं। और डायमंड भी हमारा जो है वो इंतज़ार कर रहा है दोस्तों कि मुझे जो है वो कब निकालोगे। तो डायमंड तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ इससे पहले के सुल्तान की नज़र पड़ जाए। दोस्तों ये आपस में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं और अब बारी है जी हमारे छोटू गैंग की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ पीछे पीछे। डमटी तुम भी आओ यार, क्या कर रही हो तुम? आज दोस्तों हमने एक से दो काम बड़े ज़बरदस्त करने हैं। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ अपने सेटअप पे भी, और आज हम कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले इनको जो है वो भीगी हुई रोटी डाल देते हैं। मैं इनके लिए ले आया था, इधर पड़ी है दोस्तों। ये देखिए ऊपर चूजा आ गया। और रुको 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 भाई रुको, एक मिनट सब्र करो ज़रा। इसको दोस्तों ऐसे कर लें हम, फिर देते हैं तुम सबको। ये दोस्तों रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब इनको जो है वो देते हैं। ये देखे दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह सुल्तान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब खा लो। डायमंड को भी दोस्तों दे आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो। ओए चलो भाई इधर से खा लो सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे सबको मिलेगी। डायमंड को मैं दे आता हूँ, ये खाने नहीं दे रहे डायमंड को। डायमंड 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 आ जाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। इधर भी खा लो, चलो इधर से खा लो। तुम आजकल ना बहुत शैतान हो गए हो, मुड़ जाओ तुम। दोस्तों मैंने सुल्तान को फाइनली बंद कर दिया और अब जो है वो हमारा डायमंड सुकून से खा रहा है। ये देखें आपको, इसको अंदर भी नहीं सुकून है। इसने दोस्तों खुद भी नहीं खाना और दूसरों को खाने भी नहीं देना। तो इनको जल्दी से डाइट डालते हैं, फिर इनको बंद करेंगे, फिर हम अपने बिजनेस को खोलेंगे, फिर ऊपर हम जो है वो छत पर ट्रैप लगाएंगे। दोस्तों आज मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि हम जो है वो ट्रैप लगाएंगे, इधर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डब्स वगैरह आती है, तो हम उनको ट्रैप करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों हम चिली को छोटा सा लाए थे, अब चिली को देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। देखे दोस्तों ये भी जो है ना बड़ा हो चुका है, अब जवान हो चुका है। छुटकू कहाँ गए तुम, खा लिया डाइट अपनी? छुटकू भी देखे दोस्तों बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह। वो छुटकी है और ये ब्लैकी हमारी, और ये तीनों छोटू गैंग में आते हैं। डमटी कहाँ जा रही हो? तो दोस्तों अब सारे पेट्स को बंद करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब जो है वो हम अपने पिजन्स को खोलने लगे हैं। तो दोस्तों सबको जो है वो बारी बड़ी जल्दी से बंद कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम छोटू गैंग को जो है वो बंद करते हैं। तो आ जाओ छुटकी 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 छुटकी, ये आ गई छुटकी हाथ में। अभी इसका दरवाज़ा खोलते हैं, चलो भाई अंदर। इसी तरह दोस्तों मैं सब पेट्स को बंद कर कर फिर आपसे मिलता हूँ। ये लो तो पिजन्स को दोस्तों हमने खोल दिया और बाकी सारे पैट्स को हमने बंद कर दिया। ये देखिए पिजन्स अपना बाइट दाना पानी कर रहे हैं, और अब इनके जो है वो बेबी को आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके नीचे हमने अपनी चिली मिली का अंडा रखा हुआ है, मिली का और सुल्तान का, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाली मुर्गी और ये हमारा सुल्तान, इनका दोस्तों हमने अंडा रखा हुआ है पिजन्स के नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और एक जो है वो शरारती पिजन्स का दोस्तों बच्चा भी निकला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से बेबी निकला हुआ है, प्यारा सा छुटकू सा। तो इसको हम जो है वो बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये देखे माशाल्लाह दोस्तों, लोग खुश हो गया इसको देखकर। ये मेरे ख्याल से इधर से वाइट बनेगा और बाकी ये ब्लैक बनेगा। इसके पाँव पर भी बाल हैं दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। आपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये बेबी आपको कैसा लगा। तो इसको हम जो है इधर रख देते हैं और इस अंडे की चेकिंग करते हैं। ये दोस्तों अंडे में से मुझे लगता है बच्चा निकल ही आएगा आज कल में, तो आपको शो कम ज़रूर करवाएंगे।
ये एलेंजी पिजन्स की डाइट भी डाल दी। और ये क्या दोस्तों, पिजन्स देखे हमारे किधर पहुंचे हुए हैं। जल्दी 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 आगे, मुर्गियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी यार। ऊपर से तुम भी इधर आ गए दुआ करने। चलो 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 चलो, डाइट डाल दिया तुम लोगों की, जल्दी से जाओ डाइट पे हल्ला बोल दो। दोस्तों डाइट खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ये देखे अब जाकर बच्चे को भी दोस्तों ये फीड करवा लेंगे। जल्दी से दोस्तों ये डाइट खाते हैं, फिर जो है वो हम अपने सारे पेट्स को खोल कर ऊपर ट्रैप लगाने चले जाएंगे। तो वीडियो को आप तब तक लाइक कर दो, तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तब तक मैं आपको जो है रैबिट हाउस की दोस्तों थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। ये देखें दोस्तों रैबिट हाउस दोस्तों हमने इधर बनाना है। ये देखें आपको जो है वो ईंटें नज़र आ रही होंगी दोस्तों। सुल्तान ने सुबह से अच्छा दिमाग खाया हुआ, बोल ही जा रहा है। तो ये देखे इधर से हमने इस तरह से बनाना है रैबिट हाउस। इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट हो जाएगा रैबिट हाउस का। बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों कि किस तरह हमने जो है मटकियां लगाकर पाइप्स लगाने हैं। अभी जो है फिलहाल इंटों को हम जो है इधर साइड पे करेंगे और फिर जो है वो अपने रैबिट हाउस का दोस्तों काम हम आज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको कल की वीडियो में। तो ये देखे मैं स्पेशल जो है वो डाइट अपने परिंदों के लिए लाया हूँ जो कि हमने ऊपर ट्रैप करने हैं। तो ये देखे डाइट में दोस्तों ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हैं और बीच में दोस्तों मकई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं वाइल्ड परिंदे। तो हम जो है वो उनको ट्रैप करेंगे, एक दो दिन अपने पास रखेंगे और फिर उनको जो है वो आज़ाद कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी पिजन हाउस बनानी है और ये पहले ही पिजन हाउस की तरफ जा रहे हैं। इधर इंशाल्लाह हम पिजन हाउस बनाएंगे और इधर रैबिट हाउस। मेरे ख्याल से ये जगह इनको ज़्यादा पसंद आई है तो इसलिए हम जो है वो इधर रैबिट हाउस बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इधर हम पिजन हाउस बनाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। चलो निकलो इधर से, रैबिट की जगह ये। चलो 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 अपने घर की तरफ। चलो यार तुम लोग भी अंडे दे दो यार, ब्लैक वाले तुम सिखाते नहीं हो यार इनको अंडे कैसे देते हैं। तो हमने अपने पिजन्स को बंद कर दिया और सारे पैट्स को खोल दिया। अब आराम से चलते हैं ऊपर ट्रैप लगाने और देखते हैं कि आज हमारे ट्रैप में कौन सा परिंदा फंसता है। तो दोस्तों हमने ट्रैप लगाना कुछ इस तरह से है। मुर्गी तुम नीचे चल जाओ। ये देखे दोस्तों इधर दरवाज़ा खुला होगा, एक धागा बांधेंगे हम, धागा खींचेंगे और जो है दरवाज़ा हो जाएगा बंद। तो अंदर कुछ रख देते हैं ऐसा खाने वाला जो भी परिंदों को पसंद, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस केज को हम कर लेते हैं साफ ताकि इसकी जो गंदगी है वो थोड़ी सी साफ हो सके दोस्तों। दोस्तों मिशन ट्रैप हमारा हो चुका है शुरू। ये मेरे हाथ में धागा है, ये इधर हमने जो है ट्रैप का सारा सामान लगा दिया। ये हमारा मिनी जू है दोस्तों। चलिए चलते हैं मिशन ट्रैप के ऊपर। तो सीढ़ियों के ऊपर दोस्तों चलते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं कि आज हमारे हाथ कौन सा शिकार लगता है। तो ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों, इस छत पे हमने जो है ट्रैप लगाना है। सामने देखे कितना बड़ा जाल है कबूतरों का और ये देखे नीचे हमारा सुल्तान। इधर दोस्तों हमने केज रखना है, कोई परिंदा आएगा ही आएगा क्योंकि साथ ही दोस्तों दरख्त है नीचे हमारा मिनी जू है। जल्दी से केज को ऊपर लाते हैं, डाइट रखते हैं, सेटिंग वगैरह करते हैं और फिर जो है वो बैठ के इंतजार करते हैं कब कौन सा परिंदा फंसेगा। ये देखे दोस्तों ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं। तो सामने वाले भाई कह रहे हैं कि यार आप जो है वो ट्रैप कहीं और लगा लो। तो मैंने सोचा फिर ट्रैप जो है वो सामने वाली द्वार पे लगा लेते हैं। तो इस तरह बाइक जो है कबूतर डिस्टर्ब भी नहीं होंगी और हमारा जो है वो शिकार भी हो जाएगा। तो ट्रैप दोस्तों हमारा हो चुका है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये धागा है, इधर जो है वो अंदर चिड़िया आएगी कोई भी परिंदा। ये बंद हो गया दरवाज़ा, फिर से खुद ही खुल जाएगा। ये बंद हो गया, कैसा लगा दोस्तों ट्रैप? ये देखिए इधर इधर काफ़ी ज़रा जगह यार आ सकते हैं परिंदे, ऐसे खींचेंगे तो बंद फिर हम पकड़ लेंगे। दोस्तों बीबी मशीन हुआ है, इधर मैंने पिंजरा रखा हुआ और साथ वालों के घर गिर गया यार हमारा, पहला ही ट्रैप फेल हो गया। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे। ये देखें यार बड़ा मजे का सीन था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। इधर पिंजरा रखा साथ ही साथ वालों का घर गिर गया, धागे भी टूट गया। तो ये देखें मैं साथ वालों के घर तो आज को हमारा ट्रैप बिल्कुल रेडी शेडी हो चुका है दोस्तों। अब जो है वो साथ में हमारा देखें मिनी जू है, मुर्गियां जो है परेशान हो रही होंगी यार वलीद कहाँ चलेगा, टेंशन नहीं लेनी मुर्गियों तुमने। अभी जो है वो तुम्हारा कोई नया सा पार्टनर लाते हैं इधर से पकड़ के, आवाजें तो दोस्तों काफ़ी आ रही है। देखते हैं कि अब हमारे नसीब में क्या बचता है। ये देखें ओहो धागा टूट गया, धागा ही टूट गया यार, कोई पक्का से धागा लाना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो ट्रैप हमारा लग चुका है। उधर आपको मैं डेमो दिखाता हूँ फिर से एक दफ़ा। ये देखे दोस्तों ये हमारा इधर धागा है, ये देखिएगा, ये देखें ये खुल गया, ये बंद हो गया। ये देखे दोस्तों ये हमारा ट्रैप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जैसे ही कोई परिंदा आता है ना दोस्तों मैं चुप कर बैठ चुका हूँ इधर नीचे, तो मैं आपको दिखाऊँगा जैसे ही कोई परिंदा आता है। दोस्तों कबूतर उड़ रहे हैं हमारी छत पर, हो सकता है कोई कबूतर ही फंस जाए यार, कोई पता नहीं है। ये देखे दोस्तों नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल ट्रैप लग नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे पत्तों के बीच में फंसा हुआ है। और नीचे ये देखे ने देखे फाइट हो रही है नीचे यार इनकी, इनका मैं क्या करूँ यार, सुल्तान में डायमंड बहुत ज्यादा लगते हैं पीछे।
तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं मुझे इधर सीढ़ी पे बैठे हुए, अभी तक कोई चिड़िया कोई कुछ भी नहीं आया यार अभी तक। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ तो ट्रैप करेंगे। ये देखिए मैंने इधर ये रखी हुई है, और इधर बैठ कर मैं वीडियोस देख रहा था यार, अभी तक कुछ भी नहीं आया। मुझे लगता है ये मुर्गों से डर के नहीं आ रही है। देखे सुल्तान के काम देख करें यार, कहाँ खड़ा हुआ है, तो आना कहाँ से इनको, मैं बंद करता हूँ पहले। यार मैंने सबको बंद कर दिया, सबको बंद कर कर फिर मैं इधर बैठा हूँ सुकून के साथ कि शायद कोई परिंदा ट्रैप में आ जाए। ये देखिए रैबिट है, उसका भी मैंने भाई को बोला हुआ है, भाई जो है वो सामान वगैरह लेने गया हुआ है, अभी जो है वो मट्टी आएगी ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैं सारा का सारा गाड़ी दोस्तों मट्टी गया है, तो मट्टी लेने गया हुआ है भाई। इंशाल्लाह कल की वीडियो में इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने कल की वीडियो में इस बिल्कुल नहीं करनी, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आगे जाकर हम एक बड़ा मिनी जू बनाने वाले हैं। इधर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस साइड पर होगा रैबिट हाउस, और इस साइड पर होगा पिजन हाउस, इधर होगा चिकन कूप, इधर बनेगी फाउंटेन लाइन से सारे जो है वो इधर केजेस बनेंगे, सामने बनेंगे दोस्तों बर्ड्स की प्यारी सी एवेरी आपके तरह बिल्कुल प्यारी सी बनेगी। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी बैठे हैं हम, कोई शायद यार उम्मीद लाकर कोई शायद एक आधा परिंदा हमारी किस्मत में हो जो कि ट्रैप हो जाए, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं लगता नहीं है कि हमारी किस्मत में जो है वो कोई परिंदा है। ये देखें दोस्तों अब मुझे लगता है ट्रैप हो जाएगी यार, चिड़ियाँ आना शुरू होनी है यार। ये देखें जरा कैमरा शायद फोकस नहीं कर पा रहा, अब हो जाएगा शिकार यार, बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आई हैं। ये देखे दरख्त पर भी बैठ रही हैं, आज तो कुछ ना कुछ आती लगेगा क्या। दोस्तों अब मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, पहले मैं उधर बैठा था, अब मैं इधर आ गया, उधर से बिल्कुल सीधा सामने नज़र आ रहा है केज, और स्पैरोज आना दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे 2 बैठी थी फिर डर कर पीछे चले गई हैं, तो इंशाल्लाह अपना शिकार हो जाएगा। वैसे हम उनको कहेंगे कुछ नहीं दोस्तों, आप टेंशन ना ले, 1-2 दिन अपने पास रखेंगे, फिर उनको जो है वो आज़ाद कर देंगे हम, रखेंगे नहीं इतनी देर। तो अब लगता है दोस्तों कुछ बनेगा। तो दोस्तों फाइनली 4 घंटे हो गए और एक भी हमने चिड़िया नहीं पकड़ी है। देखे जरा ऊपर धागा भी जा रहा है, सामने सीढ़ी भी लगी हुई है, नीचे सारे जो है वो परिंदे को भी दोस्तों हमने बंद किया हुआ है फिलहाल। वो देखे सामने हमारा ट्रैप भी लगा हुआ है। आज तो दोस्तों हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर हम जो है वो ट्राई करेंगे। बाकी आज की वीडियो इतनी थी, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।